जुले दोस्तों, तो हम आ जाए हैं एयर टायर्स कुमार भी अपने जिमनी के टायर्स अपग्रेड करने के लिए, और हमने चूज़ किया है योकोहामा जियोलैंडर के 21575 15 सेक्शन के टायर्स। तो ये टायर्स हमारे बिल्कुल सामने हैं और इनके ट्रेड पैटर्न को आप देख सकते हैं किस प्रकार के ट्रेड पैटर्न हैं, और इसमें वाइट लेटरिंग वाले ये टायर्स हैं, इम्पोर्टेड टायर्स हैं। और इसके फ्रेश पैच को भी आप चेक कर सकते हैं जो कि 2423 है, और 23 मतलब कि ये 2023 बैच में ही बने हैं। ये रही हमारी स्टॉक चिमनी स्टॉक टायर्स के साथ, और जो स्टॉक टायर्स हैं सुजुकी जिमनी प्रोवाइड करवाती है ब्रिजस्टोन के 195 80 15 सेक्शन के टायर्स, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। बट अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस और लुक्स के बारे में अगर देखेंगे तो ये इतने सूटेबल जिमनी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऑफ रोड करना है तो ये टायर्स ऑफ रोडिंग के लिए भी सूटेबल नहीं है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसको अपग्रेड करेंगे और हम इसमें डालेंगे योकोहामा जियोलैंडर के टायर्स, जो कि स्नो रेटेड हैं और मड रेटेड भी हैं, और हमारे लिए ये परफेक्ट टायर्स हैं। और यहाँ पर चिमनी के टायर्स निकाले जा रहे हैं, इनको चेंज किया जाएगा, और इसको कर रहे हैं एआर टायर्स के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत ही अच्छे से इनका बिहेव भी है। एआर टायर्स कुमार भी अभी बहुत सारे मल्टी ब्रांड को यहाँ पर प्रमोट करता है, और उनका ये डीलर भी है। यहाँ पर आपको सभी जो बेहतरीन टायर्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। गुडियर, योकोहामा, अपोलो और जितनी भी बड़ी कंपनी है उन सब के ये डीलर्स हैं। मैंने भी यहाँ पर अपने टायर्स ऑर्डर करवाए थे, जो कि योकोहामा मैंने चूज़ किया था। इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी थे, इसमें गुडियर के भी सेम पैटर्न में टायर्स थे 80 टायर्स, और अपोलो के भी टायर्स इसमें अवेलेबल थे, और इसके साथ में MRF के भी टायर्स अवेलेबल थे। हमने चूज़ किया योकोहामा जियोलैंडर के टायर्स, क्योंकि इससे पहले भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ब्रांड को यूज़ कर चुके हैं और इस पैटर्न को यूज़ कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे से ये परफॉर्म करता है स्नो में, इसीलिए हम इसकी तरफ भी गए। और इसके लुक्स भी गाड़ी के ओवरऑल लुक्स को भी बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं ड्यू टू इट्स वाइट लेटरिंग, और इसके ट्रेड पैटर्न भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हमने योकोहामा को चूज़ किया। यहाँ आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है स्टॉक टायर और योकोहामा जियोलैंडर के टायर में। बहुत अच्छे ट्रेड पैटर्न हैं, और अब हम लेकर जा रहे हैं इसे अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करने, और गाड़ी में इंस्टॉल होने के बाद फिर हम आपको एक बार फिर से चेक करवाएंगे कि किस प्रकार का ये लुक और किस तरीके का गाड़ी का स्टांस आपको प्रोवाइड करवाता है। इस टायर को लगाने के बाद आपका जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस था वो भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से जो स्टॉक टायर थे उससे ऊँचे टायर्स हैं। और यहाँ पर बैक व्यू से अगर आपको दिखाया जाए तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक टायर और योकोहामा टायर्स में कितने डिफरेंसेस हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आएगा ओवरऑल लुक में, और जो इसका स्टांस है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। जो स्टॉक टायर्स हैं वो बहुत ही स्किनी हैं, और जो ये टायर्स हैं ये बहुत ही अच्छे टायर्स हैं। योकोहामा में ही आपको एक और ऑप्शन मिलता है, जो कि टायर एक और साइज़ अपग्रेड है योकोहामा के 235 75 15 सेक्शन के टायर्स, मगर उसमें एक कंप्लेंट आ रही है कि उसमें आपके जो टायर्स हैं वो फेंडर लाइनिंग को टच कर रहे हैं। जब आप स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरीके से टिल्ट करते हैं, आप मोड़ते हैं उसे, तब ये प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए अगर आप बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं और ज़्यादा आप प्रॉब्लम नहीं झेलना चाहते तो 215 बहुत ही बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। ये टायर्स मैंने ऑर्डर करवाए थे एआर टायर्स कुमारवी के थ्रू
और एयर टायर्स गुमारमी से मैं पहले भी अपने टायर्स जिनोन में अपग्रेड करवा चुका हूँ, तो बहुत ही अच्छा इनका सर्विस है। और ये वाले टायर्स जो हैं मुझे यहाँ पर पड़े 7500 के प्लस 100 रुपीज़ इंस्टॉलेशन के चार्जेस। और यहाँ पर गुमारमी में मैंने और भी जगह पता किया था, मगर वहाँ पर मुझे 1000 रुपये से ज़्यादा, यानी कि मुझे 8500 तक इस टायर के बारे में रेट बताया गया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो मैंने फिर एयर टायर्स को ही चूज़ किया, और आपको मैं इनका नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।